हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल गाइडलाइंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एंटीजन, देयर टाइप्स, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। मींस एंटीजन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किन किन चीज़ों से मिलके बने हुए होते हैं और एक एंटीजन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करके एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए। तो एंटीजन क्या है, और इन शॉर्ट वी कैन से दैट एजी इट इज़ आल्सो नोन एज इम्यूनोजन मॉलिक्यूल्स जनरेट एंटीबॉडीज़। मींस एंटीजन्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को जनरेट करते हैं और फॉर्म करते हैं। एंटीजन इज़ एन सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट एंटीजन। मीन्स एंटीजन ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, मीन्स उत्तेजित करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए उस सब्सटेंस के अगेंस्ट में या फिर उसके विरुद्ध में, उसको बोलते हैं एंटीजन। सो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स और एंटीजन्स पर्सन की बॉडी में एंटर किया। एंटर होने के बाद वो एंटीजन पर्सन के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, देन पर्सन की बॉडी उस एंटीजन और फॉरेन पार्टिकल्स को किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेगी, देन उस एंटीबॉडीज़ से बाइंड हो करके रिस्पॉन्स शो करेगी, मीन्स किल कर देगी। वन मोर डेफिनेशन इज़ देयर, एंटीजन इज़ अ फॉरेन पार्टिकल्स विच कैन डैमेज बॉडी इम्यून सिस्टम, सो टू मैनेज इट बॉडी रिलीज सम केमिकल्स फॉर देयर प्रोटेक्शन नोन एज एंटीजन। सेम मीन्स इस डेफिनेशन का भी वही है कि एंटीजन एक ऐसे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, बट इनकी कोशिश को नाकामयाब बनाने के लिए हमारी बॉडीज कुछ केमिकल्स रिलीज करती है इम्यून सिस्टम और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंटीजन्स। सो एंटीजन्स आर क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स, फर्स्ट वन बेस्ड ऑन ऑरिजिन एंड सेकेंड वन बेस्ड ऑन इम्यूनोजेनेसिटी एंड एंटीजेनेसिटी। सो फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन ऑरिजिन। सो बेस्ड ऑन ऑरिजिन के अकॉर्डिंग जो एंटीजन्स हैं उनको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, फर्स्ट वन एक्सोजेनस एंटीजन, सेकेंड वन एंडोजेनस एंटीजन, थर्ड वन ऑटो एंटीजन्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इम्यूनोजेनेसिटी एंड एंटीजेनेसिटी के अकॉर्डिंग टू टाइप्स से क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन से, कंप्लीट एंटीजन एंड इनकम्प्लीट एंटीजन। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट बेस्ड ऑन ऑरिजिन। सो बेस्ड ऑन ऑरिजिन के अकॉर्डिंग थ्री क्लासिफिकेशन है, एक्सो, एंडो एंड ऑटो एंटीजन्स। तो एक्सोजेनस एंटीजन्स क्या है, एक्सोजेनस एंटीजन्स आर एंटीजन्स दैट एंटर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड कॉजेस डिजीज सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, प्रोटोजोवा और एनी अदर फॉरेन पार्टिकल्स। सो एंटीजन का मीन्स क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए। सो अब बात करते हैं एक्सोजेनस की। सो एक्सोजेनस को जब हम स्प्लिट करेंगे टू पार्ट्स में तो वो बनेगा एक्सो प्लस जीनस। सो एक्सो मीन्स होता है बाहर साइड से, आउटसाइड से, एंड जीनस मीन्स होता है ओरिजिनेट फ्रॉम, मीन्स ओरिजिनेट फ्रॉम आउटसाइड। ऐसे एंटीजन्स जो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, आउटसाइड से जनरेट होते हैं, ऐसे एंटीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोजेनस एंटीजन। सो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि ऐसे एंटीजन्स, ऐसे पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और आउटसाइड से आते हैं हमारी बॉडी में और हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए, उनको बोलते हैं एक्सोजेनस एंटीजन्स। नेक्स्ट है एंडोजेनस एंटीजन्स। सो एंडोजेनस एंटीजन्स क्या है, एंडोजेनस एंटीजन्स आर द एंटीजन्स विच आर प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड इनसाइड द बॉडी एंड कॉजेज डिसीज। सो हर जगह पे एंटीजन का मीन्स तो सेम होगा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंडोजेनस। जब हम एंडोजेनस को स्प्लिट करेंगे टू पार्ट्स में तो क्या बनेगा, एंडो प्लस जेनस। एंडो मीन्स क्या होगा, इनसाइड, एंड जेनस मीन्स क्या होगा, ओरिजिनेट फ्रॉम, मीन्स ओरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड। सो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ऐसे एंटीजन्स जो हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं और फॉर्म होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए, उनको बोलते हैं एंडोजेनस एंटीजन्स।
सो माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि खुद की बॉडी में कैसे एंटीजन्स फॉर्म होते हैं, जनरेट होते हैं। सो आपको पता होगा कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे, यूरिनरी ट्रैक्ट पे और भी जगह पे प्रेजेंट होते हैं। सो वो नॉर्मली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बट हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते, हमारे लिए वो यूज़फुल होते हैं। बट जो वो फ्लोरा समटाइम्स क्या होते हैं, अदर पार्ट में पहुँच जाते हैं और जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हार्म करने लगते हैं और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए। मींस वहाँ पे वो जा कर के क्या करते हैं, एज अ एंटीजन वर्क करने लगते हैं। नेक्स्ट है ऑटो एंटीजन। सो ऑटो एंटीजन्स क्या हैं? इन सम कंडीशंस अवर इम्यून सिस्टम अटैक अवर नॉर्मल सेल्स एज्यूमिंग देम एज अ एंटीजन। मीन्स कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि जो सेल्स हैं वो हमारी खुद की सेल्स हैं या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल्स हैं। सो वो हमारी नॉर्मल सेल्स को एज अ फॉरेन एंटीजन समझ के उसमें क्या करता है, अटैक करने लगता है और एज अ एंटीजन उनको ट्रीट करने लगता है। उसको बोलते हैं ऑटो एंटीजन्स। और जैसे एग्जांपल में बात करें ऑटो इम्यून डिसीजेंस। सो सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन इम्यूनोजेनिसिटी एंड पैथोजेनिसिटी। सो इम्यूनोजेनिसिटी एंड पैथोजेनिसिटी के बेस्ड पे टू क्लासिफिकेशन, कंप्लीट एंटीजन एंड इनकम्प्लीट एंटीजन्स, ऑल्सो नोन एज हैप्टेन्स। सो कंप्लीट एंटीजन्स क्या है? सो कंप्लीट एंटीजन्स, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट विच आर एबल टू इंड्यूस एंटीबॉडीज फॉर्मेशन बाय देमसेल्व एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक रिएक्शन विथ दैट एंटीजन। नेम से ही क्लियर है, कंप्लीट मीन्स ऐसे सब्सटेंसेज जो पूरे हो, अपने आप में ही कंप्लीट हो। मीन्स इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो कंप्लीट एंटीजन्स हाई मॉलिक्यूलर वेट के ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि खुद ही कैपेबल होते हैं एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को इंड्यूस करने के लिए एंड स्पेसिफिक रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए एंटीजन के साथ, उनको बोलते हैं कंप्लीट एंटीजन। है इनकम्प्लीट एंटीजन्स और हैप्टेन्स। सो इनकम्प्लीट एंटीजन्स क्या हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट विच आर अनेबल टू इंड्यूस एंटीबॉडीज प्रोडक्शन by themselves, but when these substances conjugate with other carrier protein, it also become capable to produce antibodies production. नेम से ही क्लियर है, इनकम्प्लीट मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने आप में पूरे ना हो या फिर इनकम्प्लीट हो। डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इनकम्प्लीट एंटीजन्स लो मॉलिक्यूलर वेट के ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि खुद कैपेबल नहीं होते हैं एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए, लेकिन जब लो मॉलिक्यूलर वेट हैप्टेन्स मॉलिक्यूल्स अदर प्रोटीन के साथ ऐड हो जाते हैं, कॉन्जुगेट हो जाते हैं, तो उनका मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो जाता है और वो भी कैपेबल हो जाते हैं एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को इंड्यूस करने के लिए। सो डायग्राम में शो किया गया है हैप्टेन मॉलिक्यूल है जो कि अनेबल है एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को इंड्यूस करने के लिए, बट जब ये कैरियर प्रोटीन के साथ ऐड हुआ, बाइंड हुआ, वो भी एबल हो गया एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को इंड्यूस करने के लिए और एज अ एंटीजन, एज अ कंप्लीट एंटीजन वो भी वर्क करने लगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीजन। मोस्टली एंटीजन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स बट सम आर कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स एक्सेट्रा। मीन्स ज़्यादातर जो एंटीजन्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन कुछ एंटीजन्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स के भी बने होते हैं। एपिटोप्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एंटीजन और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी। एंटीजन कंटेन न्यूमरस एपिटोप्स। मीन्स एपिटोप्स स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं जो कि एंटीजन में पाए जाते हैं। एक एंटीजन में बहुत सारे एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं। एपिटोप्स का वर्क क्या है? स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन को इंड्यूस करना और पैराटोप के साथ बाइंड होकर रिस्पॉन्स शो करना। सो आप डायग्राम में देख सकते हो एक एंटीजन है जो कि पर्सन की बॉडी में इंटर किया और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को इंड्यूस किया। देन जो एंटीजन में एपिटोप्स हैं एंड एंटीबॉडीज़ में पैराटोप्स हैं वो आपस में बाइंड होंगे और रिस्पॉन्स शो करेंगे, रिएक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर
प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीजन. सो देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटीजन. फर्स्ट वन फॉरिगनेस, सेकेंड वन साइज, थर्ड वन केमिकल नेचर, फोर्थ वन ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम, फिफ्थ वन एंटीजन स्पेसिफिसिटी. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल. सो फर्स्ट है फॉरिगनेस. The immune system have ability to differentiate between self and non-self, that only foreign molecules are immunogenic. When an antigen is introduced in an organism, the degree of its immunogenicity depends on the degree of its foreignness. मीन्स नॉर्मली जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन डिफरेंशिएट कर लेता है. मीन्स पहचान लेता है कि कौन सा हमारा खुद का एंटीजन है और कौन सा बाहर से आया है. देन जो नॉन सेल्फ एंटीजन्स होते हैं, नॉन सेल्फ मीन्स जो फॉरेन एंटीजन्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है. बाकी जो सेल्फ के एंटीजन्स होते हैं उसके लिए एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन नहीं करता. सो जितने ज़्यादा फॉरिगनेस इंक्रीज होगी उतनी ज़्यादा ही इम्यूनोजेनिसिटी एंटीजेनिसिटी इंक्रीज होगी. मीन्स जो इम्यूनोजेनिसिटी है एंटीजेनिसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरिगनेस. मोर फॉरिगनेस मोर एंटीजेनिसिटी मोर इम्यूनोजेनिसिटी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, साइज. सो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैव मोर इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी देन कंपेयर टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. मीन्स जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी शो करते हैं, एंटीजेनिसिटी शो करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में. मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंटीजेनिसिटी और इम्यूनोजेनिसिटी. मीन्स जिस एंटीजन का जितना ही ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा वो उतना ही ज़्यादा एंटीजेनिसिटी इम्यूनोजेनिसिटी शो करेगा. सो यहाँ पे कुछ रेंज शो की गई है, लाइक कि जो मॉलिक्यूल्स 1000 डेल्टॉन से कम होते हैं वो नॉन इम्यूनोजेनिक नॉन एंटीजेनिक शो होते हैं. देन जो 1000 से 6000 डेल्टॉन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वीकली या फिर थोड़ा बहुत ही क्या होते हैं, इम्यूनोजेनिक होते हैं. बट 100,000 डेल्टॉन और 100,000 डेल्टॉन वाले मॉलिक्यूल्स हाईली इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स शो करते हैं. इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स मीन्स है इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए. मीन्स जितना ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा वो एंटीजेनिसिटी शो करेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल नेचर. सो मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर मोर एंटीजेनिक. मोस्टली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स आर इम्यूनोजेनिक लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर लेस इम्यूनोजेनिक. मीन्स जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर एंटीजेनिक होते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में. मोस्टली जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन वाले एंटीजेंस होते हैं वो ज़्यादातर एंटीजेनिक होते हैं लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड वाले एंटीजेंस के कंपेयर में. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ससेप्टिबिलिटी टू टिश्यू एंजाइम. ओनली दोज सब्सटेंसेज विच आर मेटाबोलाइज्ड एंड कैन बी कन्वर्टेड टू सॉल्यूबल फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ टिश्यू एंजाइम एक्ट एज गुड एंटीजन. मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जो मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्यूबल फॉर्म में टिश्यू एंजाइम के एक्शन की वजह से. सो ऐसे एंटीजन मोर एंटीजेनिक होते हैं. मीन्स एक गुड एंटीजन जैसे वर्क करते हैं, एक कंप्लीट एंटीजन जैसे वर्क करते हैं इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीजन स्पेसिफिसिटी. सो इट डिपेंड्स ऑन द एंटीजन डिटर्मिनेंट्स ऑन एंटीजन मॉलिक्यूल्स. Those antigenic determinants represent those active sites where antibodies can react specially. Means particular or specific antigen, particular or specific antibodies से ही bind होगा. पर्टिकुलर एंटीजन जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस किया है उसी एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड होगा या रिएक्ट करेगा और अदर एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड नहीं होगा. बिकॉज हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीजन में प्रेजेंट एपिटोप्स के अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया है जो कि उस एंटीजन के एपिटोप्स के साथ जाके बाइंड होगी और रिएक्शन शो करेगी. अदर एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगी. देन एंटीजन स्पेसिफिसिटी इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट वन स्पीसीज स्पेसिफिसिटी, सेकेंड वन आइसो स्पेसिफिसिटी, थर्ड वन ऑटो स्पेसिफिसिटी, फोर्थ वन ऑर्गन स्पेसिफिसिटी, फिफ्थ वन हेटरोजेनेटिक स्पेसिफिसिटी.